अच्छा, आज यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट से शुरू कर रहे हैं। रिजल्ट ये है कि लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री एन। लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री एन। लेट थीटा लेट थीटा बिलोंग्स टू ओके बी सच दैट के इज इक्वल टू क्यू थीटा एंड लेट थीटा वन इज इक्वल टू थीटा थीटा टू थीटा एन बी कॉन्जुगेट्स ऑफ ऑफ थीटा। लेट आर बी दी नंबर ऑफ थीटा वन टू थीटा एन दैट आर रियल देन साइन ऑफ डी के इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन माइनस आर बाई टू। तो ये रिजल्ट है हमारा कि लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री एन। अलजेब्रिक नंबर फील्ड है डिग्री एन की, और फिर इसके बाद इसमें गिवन है कि हमारे पास थीटा जो है वो ओ के का एक एलिमेंट है, इस तरह से कि के इज इक्वल टू क्यू थीटा लिखा जा सकता है। अब ये अगर एन डिग्री जो है की अल्जेब्राइक नंबर फील्ड है, तो इसका मतलब है कि इसमें थीटा के एन कॉन्जुगेट्स होंगे, वो थीटा वन से लेके थीटा एन तक हैं। जो थीटा वन है वो खुद थीटा है और ये इसके कॉन्जुगेट्स हैं। और आर हमने एस्यूम कर लिया कि इसमें से लेट आर बी दी नंबर ऑफ रियल, ठीक है, यानी कि आर जो है वो रियल कॉन्जुगेट्स हैं। रियल भी हो सकते हैं कॉन्जुगेट्स, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो उसमें से जो रियल्स हैं वो इतने हैं। और फिर इसके तो इससे हम जो है साइन निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ नंबर फील्ड का, यानी कि हमारे पास इस चीज़ से कि अगर हमें ये बात पता चल जाए कि अलजेब्रिक नंबर फील्ड के जो आप जैसे कि थीटा, अगर क्यू के इज इक्वल टू क्यू थीटा है, तो थीटा के जो कॉन्जुगेट्स होंगे उसमें ये पता चल जाए कि कितने रियल हैं, तो हमारे पास इस थ्योरम की मदद से ये पता चल जाएगा कि जो अलजेब्रिक नंबर फील्ड है उस अलजेब्रिक नंबर फील्ड का के डिस्क्रिमिनेंट का साइन क्या होगा, यानी कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बात हमें पता चल जाएगी। इसका हम प्रूफ देखते हैं।
इसका प्रूफ देखते हैं। एज आर, हमें पता है कि हम ये आर जो है, इन्होंने कहा हुआ है थ्योरम के स्टेटमेंट में कि आर जो है नंबर ऑफ रियल जो है वो कॉन्जुगेट्स हैं। तो हमने लिखा कि एज आर इज द नंबर ऑफ रियल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा एन, इसमें से जो रियल हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। देन तो इसका मतलब ये होगा कि जो नॉन रियल होंगे वो एन माइनस आर होंगे, क्योंकि टोटल ये एन है। देन द नंबर एन माइनस आर देन, बल्कि ऐसे लिख दें, देन द नंबर थीटा वन थीटा एन देन द नंबर ऑफ दैट आर नॉन रियल आर एन माइनस आर, तो ये एन माइनस आर होंगे। सिंस द नॉन रियल कॉन्जुगेट आर always in the form of pair, यानी कि हमेशा जो नॉन रियल होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर a प्लस बी आयोटा है तो फिर a माइनस बी आयोटा भी लाजमी होगा, तो हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि n माइनस आर जो है वो हमेशा इवन क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो n माइनस आर इज इवन, तो से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि n माइनस आर इज इक्वल टू 2s, तो ये जो है n माइनस आर जो है वो 2s के बराबर है। तो इस तरह से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। सो n इज इक्वल टू r प्लस 2s, तो n r प्लस 2s के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो नंबर फील्ड है, अलजेब्रिक नंबर फील्ड, इसकी डिग्री n है, तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट ओमेगा वन से ओमेगा एन बी एन इंटीग्रल बेसिस integral basis for k, ये हमने assume कर लिया कि integral basis k है। तो फिर इसके बाद हमने लिखा कि let omega k और जी, हम यहाँ पर आई यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम आई यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स हमारे पास आएगा जो नॉन रियल, तो उसमें आयोटा यूज़ करेंगे, तो वो आयोटा से कहीं जो है वो मतलब को इंसाइड ना हो जाए, तो इस वजह से जो है मतलब कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम जे और के इंडेक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। वेयर जे इज इक्वल टू 1 to n, dv j conjugate j conjugate dv j conjugate n conjugates होंगे ना, ये तो इसको n conjugates of omega k for k is equal to 1 to n। तो इस तरीके से जो है ये हमने लिख दिया। देन अब हम जो है हम dk निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं इस नंबर फील्ड का, क्योंकि इंटीग्रल बेसिस हमारे पास है। तो अगर इंटीग्रल बेसिस होती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि ये होता है सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ डब्लू या ओमेगा के और ये और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास इनका डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब जाहिर है कि इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ भी होंगी और रियल वैल्यूज़ भी होंगी, तो हम जो है तो जाहिर है कि अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रियल पार्ट आ जाएगा और एक जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो हमने लिखा वी सेट डिटरमिनेंट ऑफ के, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के जे स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो ये हमने कह दिया कि ये आयोटा बी के इक्वल है। अब इसके बाद जो है वो अगर हम इसको आयोटा बी कह रहे हैं, वेयर या हम बता दिया कि ए क्या चीज़ है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ये हमारे पास है रियल नंबर। अच्छा, अब अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि नेगेटिव आयोटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स वाले हमारे पास हैं उन कॉम्प्लेक्स वालों को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, वो जो कॉम्प्लेक्स पेयर्स हैं उनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। आपको पता है इंटरचेंज करते तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ए माइनस आयोटा बी लिखेंगे तो सिंपली जो कि पहले ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल था, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट माइनस वन टू दी पावर एस, क्योंकि उसे एस मरतबा हमें जो है वो इंटरचेंज करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा ए माइनस। अच्छा, हम एक मिनट जो है ये इसके हम इस डिटरमिनेंट को सेट कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं इरेजर लेता हूँ वरना यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, टू आ जाएगा अगर हम ये ले लिया तो। ठीक है, तो ये ए माइनस आयोटा बी हमारे पास जो है वो ये हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है ये ए प्लस आयोटा बी है। तो अब ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एस
times a plus iota b. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है s के ऊपर कि s इवन है या s जो है वो ऑड है, ये इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये इसी पेज पे जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर s यानी कि ये हमने इसके बराबर जो है वो ले लिया, तो इफ s इज इवन देन, अगर s इवन होगा तो a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो जाहिर है फिर ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, b को जीरो होना चाहिए। So this implies b is equal to 0. ठीक, तो b को जो है वो 0 होना चाहिए, और अगर b 0 होगा तो ऐसी सूरत में डिस्क्रिमिनेंट ऑफ a जो कि था डिटर्मिनेंट ऑफ ओमेगा k j और इसका स्क्वेयर, तो ये b जीरो होने की वजह से सिर्फ a के इक्वल हो जाएगा, और अगर a के इक्वल होगा तो सिंपली ये हो जाएगा a का स्क्वेयर। तो हमारे पास ये का स्क्वेयर होगा इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा s के इवन होने की सूरत में। जाहिर है कि हमारे पास r जो है वो रियल होगा, और रियल किसी भी रियल का आप स्क्वेयर करेंगे तो वो जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। इफ s इज ऑड देन, तो अगर s हमारे पास जो है वो ऑड हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा बी। दिस इम्प्लाइज, तो ये उसी वक्त इक्वल होगा जब ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि प्योर रियल प्योर जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में डी के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट जे इसका स्क्वेयर। तो ये आपके पास अगर a जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो आयोटा b होगा, तो आप लिखते हैं आयोटा b और इसका स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया माइनस b स्क्वेयर, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डी के इज नेगेटिव, तो हेंस साइन ऑफ डी के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो साइन ऑफ डी के एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डी के का साइन तो सिग्नेचर ऑफ डी के इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एस, और s किसके इक्वल है, हमने यहाँ पर कहीं लिखा था, हाँ ये s n माइनस r जो था वो 2s के इक्वल था, तो s किसके इक्वल हो जाएगा n माइनस r अपॉन 2 पे। तो इसका मतलब ये कि आप ये लिख सकते हैं कि माइनस वन टू द पावर n माइनस r अपॉन s, तो ये इसका प्रूफ कंप्लीट होता है। जब हम ये अस्यूम करते हैं कि लेट के बी एन अलजेब्राइक अलजेब्राइक नंबर फील्ड of
डिग्री एन। हमने एस्यूम कर लिया कि डिग्री एन है, फिर इसके बाद हमने एस्यूम किया कि लेट थीटा बिलोंग्स टू ओके बी सच दैट के इज इक्वल टू क्यू थीटा। तो के इज इक्वल टू क्यू थीटा, तो अब हमें पता है कि अगर के इज इक्वल टू क्यू थीटा है देन एवरी एलिमेंट ऑफ अल्फा ऑफ ओके कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए नल प्लस ए वन थीटा, और फिर उसके बाद थीटा की हायर पावर ए एन माइनस वन थीटा टू दी पावर एन माइनस वन इस तरह से होता है। जबकि हमें पता है कि ये जो ए नल है वेयर ए नल ए वन ए एन माइनस वन आर रैशनल इंटीजर्स रैशनल इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स बल्कि कहें रैशनल इंटीजर्स नहीं बल्कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स यानी क्यू के ही एलिमेंट्स हैं, यूनिकली डिटरमिन्ड बाय determined by alpha and theta। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें हम जो है वो कहते हैं कि k कोई भी हम ले लेते हैं कि इफ के कोई भी इंटीजर है जो कि हो सकता है कि वन टू से लेके एन माइनस वन के दरमियान हो सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ए नल प्लस ए वन थीटा और ए के थीटा टू द पावर के। अब जो भी के की वैल्यू होगी इसमें से सेट हो सकती है, मैक्सिमम ये के ये आप जो है एन माइनस वन तक जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से हमने जो है वो क्यों लिखा है, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ हमने इस वजह से लिखी है यहाँ पर कि अगर हम इस तरह से लेते हैं कि ए के इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम ये कहते हैं कि जो है ये कहते हैं कि इफ ए के इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए के प्लस वन और इससे हायर वैल्यूज सारी ए एन माइनस वन की सारी ज़ीरो है। ठीक है, ये सारी की सारी के फॉर एग्जांपल जैसे कि तो ऐसी सूरत में आप जो है ठीक है ये सारी की सारी ज़ीरो है तो देन अल्फा इज कॉल्ड an integer of degree k in theta। एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है वो देखने जा रहे हैं हम देखने जा रहे हैं
मिनिमल इंटीजर। हम असल में मिनिमल इंटीजर जो है वो देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम ये पहले डिग्री ऑफ इंटीजर पढ़ रहे हैं, यानी कि डिग्री ऑफ अल्फा, यानी कि जो ओके का जो एलिमेंट है रिंग ऑफ इंटीजर जो होता है ओके, इसका एक एलिमेंट अल्फा है, तो इस एलिमेंट अल्फा की डिग्री जो है वो ठीक है ना, यानी ये जो ये इंटीजर कहलाएगा क्योंकि रिंग ऑफ इंटीजर का एक एलिमेंट है, तो इसकी डिग्री जो है ये हमें पता चली कि थीटा में इसकी डिग्री जो है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये के की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या के की वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या हाँ के की वैल्यू 3 और ये कोई जो है वो कोई भी जो है nth डिग्री या मतलब हायर जिसकी वैल्यू हो सकता है 10 डिग्री या 5 डिग्री की नंबर फील्ड है, तो ऐसी सूरत में अल्फा जो है ये हो जाएगा ए नल प्लस ए वन थीटा प्लस ए टू थीटा स्क्वेयर प्लस ए थ्री थीटा क्यूब। तो ऐसी सूरत में जो है डिग्री ऑफ अल्फा इज 3 इन थीटा, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अच्छा डिग्री ज़ीरो भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इफ अगर ये ए नली सिर्फ रह जाए ए वन इज इक्वल टू ए टू से लेके ए एन माइनस वन तक सारे के सारे ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी सूरत में अल्फा जो है वो सिर्फ ए नल के इक्वल होगा, जब ए नल के इक्वल होगा तो डिग्री ये एलिमेंट की डिग्री है ना, इंटीजर की डिग्री, डिग्री ऑफ अल्फा इज 0 इन थीटा, तो डिग्री ऑफ अल्फा जो है वो 0 हो जाएगी, और फिर इसको जो है इफ अल्फा हैज डिग्री 0 in theta, then it is called rational integer. तो इसको हम रैशनल इंटीजर कहते हैं ऐसे सूरत, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम दरअसल क्या करेंगे, हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये जो हमारे पास ए जे जो इसका जो जो डिग्री, जैसे कि थीटा के इसकी डिग्री है तो थीटा टू द पावर के का कोफिशेंट ए के है, यानी कि हमारे पास ये जो है ए जे जो होगा ये हम शो करेंगे कि इस ए जे का डिनोमिनेटर जो है ये बाउंडेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये हमें जो है इस तरह की चीज़ें जो है प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम जो है वो एक रिज़ल्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री एन, लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री एन,
ये हमने अचीव कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो लिखा है कि लेट ओमेगा वन टू ओमेगा एन ओके बी सच दैट डी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू ओमेगा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि गिवन है कि ये जो है डिस्क्रिमिनेंट इसका नॉन जीरो है, देन फॉर देन फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू ओके देयर एग्जिस्ट यूनिक रैशनल इंटीजर्स एक्स वन एक्स टेन सच दैट अल्फा इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू वन टू एन एक्स जे ओमेगा जे एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू ओमेगा एन डिवाइड एक्स जे स्क्वेयर एक्स जे यहाँ पर जो है एक्स जे स्क्वेयर where j is equal to 1, 2, 2 n। तो ये खासा बड़ा सा स्टेटमेंट है थ्योरम का और इसका जो है प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ को देखें, हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये ओके के एलिमेंट दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ओके के एलिमेंट है तो हमें पता है कि अगर ये ओके के एलिमेंट है तो इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये हमेशा एक रैशनल इंटीजर होगा और ये है गिवन है कि ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि ये ओमेगा वन टू ओमेगा एन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर क्यू होंगे। ठीक है, और फिर ओवर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि के की बेसिस भी फॉर्म करेंगे। चलें, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको मैं लिख भी देता हूँ। यानी कि हमने कहा कि एज ओमेगा वन टू ओमेगा एन ये बिलोंग करता है ओके को। ठीक है ना, और ये हमें पता है वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ This is a rational integer. Rational integer. Further, it is given that the discriminant of is not equal to zero, then omega 1 to omega n are
linearly independent, linearly independent over q. और अगर ये linearly independent over q है तो k is a vector space over q, ठीक है ना, with degree क्या कहते हैं उसे n, यानी इसकी डिग्री जो है वो n है. तो k is a vector space over q और इसमें ये n linearly independent vectors हैं आपके पास ओमेगा 1 से लेके ओमेगा n तक. तो इसका मतलब ये होगा कि ये बेसिस होंगी किस चीज की, k की. तो एंड दस फॉर्म ए बेसिस फॉर k. तो ये k के लिए k ओवर q, ठीक है. तो अगर ये हमारे पास जो है बेसिस हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्फा जो कि हमें गिवन है यहाँ पर, ये अल्फा जो है ये गिवन है ये रहा, देन फॉर ईच अल्फा तो उसके लिए हमें ये लिखना है. तो अल्फा हमें पता है कि ये ओके का एलिमेंट है, ये ओके का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि के का भी एलिमेंट है, और अगर के का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि उसकी जो बेसिस है उसके जो है लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं. तो अब हमने लिखा कि ठीक है, hence there exists unique rational numbers y1 to yn such that alpha is equal to y1 omega 1 plus y2 omega 2 to yn omega n. और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख दें कि जे इज इक्वल टू 1 टू एन वाई जे ओमेगा जे, ठीक है. ये हमारे पास जो है याद है. अब इसके बाद जो है वो हमने ये कहा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो है हमने किस में लिखा है, ये हमारे पास जो है अगर ये एलिमेंट है अल्फा ओके का तो इसका मतलब है कि के का भी एलिमेंट है. तो अब हमने लिखा यहाँ पर लेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 टू सिग्मा एन बी पी एन मोनोमॉर्फिज्म monomorphisms from K to C, ठीक है. अच्छा, इन monomorphism में से एक monomorphism जो है वो identity morphism होगा, तो हम assume कर लेते हैं कि for example sigma 1 है जो identity morphism है. तो अब ये morphism जो है किस पे लगेगा, K के element जो है sigma 1 से लेके सिग्मा एन तक, ये तमाम हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, अल्फा के ऊपर, ठीक है. तो हम अप्लाई करते हैं सिग्मा के, हमने अप्लाई किया अल्फा पे. तो इसने क्या किया, इसने जो है वो ये किया कि ये जब सिग्मा होगा ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ये इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाएगा y1
sigma k on omega 1 plus y2 sigma k on omega 2 to yn sigma k on omega n. ये हमारे पास जो है वो आ गया। और अगर आप इसे जो है वो क्या कहते हैं, और k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगी, k की वैल्यू होगी 1 to 2n, यानी कि n मोनोमॉर्फिजम्स जो है वो यहाँ पर है, यानी k की वैल्यू 1 होगी। तो आपके पास जो है वो एक जो है वो इक्वेशन आ जाएगी कि k की वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है सिस्टम्स ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस विद एन अननोन जो है वो आपके पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो वी हैव, तो ये हमारे पास लीनियर सिस्टम है जिसमें हमारे पास एन इक्वेशंस हैं और एन अननोन है, एन लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें एन लीनियर इक्वेशंस हैं एंड एन इसमें अननोन्स, तो इसमें एन अननोन्स है। ठीक, तो अब ये जो अननोन्स हैं ये हमारे पास है वाई वन से लेके वाई एन। अब इनकी वैल्यूज जो है वो हम क्रैमर्स रूल के जरिए निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर निकालना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू y j की वैल्यू, तो y j की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उस डिटर्मिनेंट में जो jth पोजीशन होगी उस jth पोजीशन में इस इक्वेशन से वेरिएबल के बजाय ये जो कोएफिशिएंट के बजाय हम ये अल्फा k ये सिग्मा के की वैल्यूज रख देंगे। तो पहले तो हम ये लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे के की वैल्यू वन से लेके एन तक, तो सिग्मा वन ओमेगा वन सिग्मा टू ओमेगा टू और सिग्मा एन, सॉरी ओमेगा वन आएगा, ये ओमेगा वन ओमेगा वन, ये ओमेगा वन ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये चलता रहेगा कहाँ तक, सिग्मा जे सिग्मा, अच्छा ये ऊपर तो सिग्मा वन वाली रो है, दूसरी सिग्मा टू वाली रो है, तो ये सिग्मा वन ही होगा, तो ये सिग्मा वन होगा। लेकिन ये ओमेगा कहाँ तक जाएगा, ओमेगा जे माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि जेथ वाले कॉलम की जगह जो है, जेथ वाला कॉलम जो है उसकी जगह हमें क्या रखना है कि ये अल्फा सिग्मा के वाला कॉलम जो है वो रखना होगा। इसी तरह से सिग्मा टू ओमेगा जे माइनस वन और सिग्मा एन सिग्मा एन ओमेगा जे माइनस वन। अब इसके बाद सिग्मा वन अल्फा, फिर सिग्मा टू अल्फा और सिग्मा एन अल्फा, और फिर उसके बाद सिग्मा वन ओमेगा जे प्लस वन, यानी जेथ की जगह ये आ गया, सिग्मा टू ओमेगा जे प्लस वन और सिग्मा एन ओमेगा जे प्लस वन। और फिर ये हम लिखेंगे सिग्मा वन
omega n sigma 2 omega n sigma n omega n, तो ये n by n का एक डिटरमिनेंट है। नीचे क्या आएगा, नीचे सारा कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट आएगा। तो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स यानी के सिग्मा आई ओमेगा जे, तो इस तरह से जो है वो हमने लिख दिया। जे की वैल्यू वेयर J इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारे पास yj की वैल्यू आ गई। अब हम इसको शॉर्ट करके जो है वो ऐसा करते हैं कि इस चीज को आसानी के लिए हम D1 कह देते हैं, कैपिटल D1, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो आसान हो जाए, वरना इसको दोबारा बार बार कैलकुलेशन में लिखना खासा मुश्किल हो जाएगा। बस ये जहन में रहे कि ये ऊपर वाला जो है हमने रिप्लेस कर दिया D1 से, तो yj इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ सिग्मा आई ओमेगा जे। अब आपको पता है कि अगर इस चीज को अगर हम जो है, क्योंकि ये मोनोमॉर्फिज्म से, मोनोमॉर्फिज्म किसको बता रहे होते हैं, कॉन्जुगेट्स को बता रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि इनके कॉन्जुगेट्स हैं नीचे, ठीक है, ये नीचे सारे इसके कॉन्जुगेट्स आएंगे, डिटरमिनेंट जो बना है उनमें कॉन्जुगेट्स आएंगे। अगर इसका स्क्वेयर कर दें हम, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई जे का स्क्वेयर इज इक्वल टू D1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ये डिटरमिनेंट का स्क्वेयर होगा, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा 1 से ओमेगा एन, जो कि हमें पता है कि नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास yj का स्क्वेयर टाइम्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ये ओमेगा एन, ये बराबर आ जाएगा D1 स्क्वेयर के, ठीक है। तो ये बात जो है वो हमें बात पता है कि ये वाली चीज जो है ये क्यू में होगी, ठीक है, जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक के लिए, ये हमारे पास जो है नॉन जीरो, और इसके बारे में हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कह चुके हैं कि ये एक रैशनल इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ये हम क्या कहते हैं इसे, ये बात कह चुके हैं या जो हमने इसका रेफरेंस दिया था पिछले चैप्टर का, कि ये एक रैशनल इंटीजर है, नॉन जीरो रैशनल इंटीजर, और y के बारे में हमने जो है ये कहा था कि ये सारे के सारे जो है यूनिक रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर्स हैं और ये रैशनल इंटीजर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये किस में बिलोंग करेगा, ये क्यू में, जो है वो बिलोंग करेगा फॉर J इज इक्वल टू 1 to n, तो इसका मतलब है कि ये क्यू में होगा। अच्छा, अब क्योंकि ये एक अलजेब्रिक इंटीजर है, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक इंटीजर है, तो हम ये इससे ये डिड्यूस, और ये क्यू में था, तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि वी डिड्यूस that yj square times discriminant of omega 1 to omega n belong to z, ये z का एक एलिमेंट होगा। अब हम ये सेट करते हैं कि ये इसका स्क्वेयर टाइम्स दिस, ठीक है,
अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये सेट किया है सेट वाई जे, वाई जे को हम ये ले लेते हैं कि आर जे ओवर एस जे है, वेयर आर जे ये एक इंटीजर है और एस जे जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड आर जे और एस जे ये को प्राइम है, यानी इनका जो जी सी डी है वो वन है। देन तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाई जे की जगह ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा आर जे स्क्वेयर ओवर एस जे स्क्वेयर टाइम्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू ओमेगा एन। ये क्योंकि हमें पता है कि जेड में है फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन। तो क्योंकि आर और आर जे और एस जे का जो जी सी डी है वो वन है, लेकिन ये एक इंटीजर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस जे का स्क्वेयर जो है वो कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा होगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट को। ठीक है, तो दस एस जे स्क्वेयर डिवाइड्स डिस्क्रिमिनेंट ओमेगा वन टू ओमेगा एन फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन सिंस आर जे एंड एस जे अकॉर्डिंग टू अवर सेटिंग आर को प्राइम। तो ये अगर को प्राइम होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये अस्यूम करते हैं कि लेट एक्स जे इज इक्वल टू वाई जे टाइम्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इज इक्वल टू आर जे ओवर एस जे टाइम्स, क्योंकि वाई जे इसकी इक्वल है, ओमेगा ए ये हमने लिख दिया और ये हमें पता है कि क्या है, एक इंटीजर। ये हमने इस तरह से कि ये हमारे पास एक इंटीजर है। Then we obtain alpha is equal to, अब ये अल्फा हमारे पास क्या था देखें, अल्फा हमारे पास ये था, अल्फा इज इक्वल टू सम जे इज इक्वल टू वन टू एन वाई जे ओमेगा जे। तो वाई जे की जगह हम क्या रख देंगे, yj की वैल्यू यहाँ से, तो yj की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ये yj की जगह हम रखेंगे यहाँ से, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा सम j इज इक्वल टू वन टू एन एक्स जे डिवाइडेड बाय डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू ओमेगा एन ओमेगा जे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस
आप ये देखिए, थ्योरम में हमसे जो है जो पूछा गया था उसके स्टेटमेंट में कि हमें ये प्रूव करना था कि किसी अल्फा के लिए ये होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ये प्रूव करना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ये एक्स जे के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो अब फाइनली जो हमारे पास है वो ये चीज़ रह गई कि इसको किस तरीके से जो है वो प्रूव किया जाए। तो इसके लिए हमने ये लिखा कि यहाँ से ये हमें नज़र आ रहा है कि एक्स जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू ओमेगा एन इज इक्वल टू आर जे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू ओमेगा एन आर जे स्क्वेयर सॉरी आर जे स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस जे स्क्वेयर। ठीक है, ये यहाँ से आपको ये यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर आप इसका स्क्वेयर कर दें, इस चीज़ को ले लें, ठीक है, तो एक्स जे का स्क्वेयर, तो एक्स जे का स्क्वेयर जो है ये हो जाएगा, और वाई जे की जगह ये है आर जे स्क्वेयर अपॉन एस जे स्क्वेयर, और क्योंकि ये स्क्वेयर होगा यानी दोनों तरफ इसमें स्क्वेयर कर दिया, तो एक हमने इधर लिख दिया एक इधर लिख दिया। बात एक ही, यानी कि एक्चुअली ये जो इक्वेशन थी ना, ये लिया है हमने, हमने एक्चुअली ये लिया है और साथ में ये लिया है, और यहाँ से ये किया है कि एक्स जे का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जे स्क्वेयर अपॉन एस जे स्क्वेयर टाइम्स डी यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू ओमेगा एन इसका स्क्वेयर। तो ये जो स्क्वेयर है उसमें से एक इसके नीचे लिख दिया, बाकी ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से जो है इसे हमने सेट किया है। ठीक है, तो अब जब ये है किसमें, ये क्लियरली ये तो इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इसको डिवाइड करेगा। दस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ओमेगा वन टू मेगा एन डिवाइड्स एक्स जे स्क्वेयर फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन, तो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस थ्योरम को जो है प्रूफ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है वो एक अच्छा, तो ये इसके बाद एक रिजल्ट और है, इस रिजल्ट को भी देखें। इसमें कह रहे हैं कि लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड, अलजेब्रिक लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री of degree n, let theta belongs to OK be such that k is equal to q theta, let alpha belongs to OK then there exists
unique rational numbers. There exist unique rational numbers Rj by Sj for j is equal to 1 to n with GCD of Rj and Sj is equal to 1, that is they are co-prime, and Sj is greater than 0 such that alpha is equal to sum j is equal to 1 to n Rj over Sj theta to the power j minus 1 and 1 is less than or equal to Sj and j is less than or equal to absolute value of discriminant of theta and Sj square divides discriminant of theta. Okay, तो फिर इसके बाद इसके प्रूफ को देखते हैं. अच्छा ये जो है थ्योरम का स्टेटमेंट है, अब इसका जो है प्रूफ देखते हैं. तो प्रूफ में जो है वो हम किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, पहले इसको समझ लें कि इससे स्टेटमेंट क्या है. अलजेब्रिक नंबर फील्ड है डिग्री एन की, थीटा ओ के का एलिमेंट है जैसे कि होता है सच दैट के इज इक्वल टू क्यू थीटा, ये तकरीबन तमामी थ्योरम्स में होता है. अब अल्फा ओ के का एक एलिमेंट है और हम ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं कि जो है वो आर जे ओवर एस जे, इस तरह के रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं कि ये दोनों आपस में को प्राइम्स होंगे. यानी कि इस तरह का रैशनल नंबर है आर जे अपॉन एस जे, ये है सच दैट आर जे और एस जे जो है ये को प्राइम, यानी कि रेशो रैशनल नंबर का है. तो जो है तो इस तरह से, और एस जे अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो ये होगी सम जे इज इक्वल टू वन टू एन आर जे ओवर एस जे टाइम्स थीटा टू द पावर जे माइनस वन, और एस जे जो होगा वो वन से बड़ा या उसके बराबर होगा, यानी कि बिटवीन वन एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थीटा होगा, और एस जे का स्क्वायर डिवाइड्स कर रहा होगा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थीटा. तो अब हमें पता है कि अगर ये हम कह रहे हैं कि थीटा, जाहिर है कि थीटा हमने ओके का एलिमेंट लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सारी पावर्स जो होंगी वो भी ओके में होंगी, यानी कि वन थीटा थीटा स्क्वायर थीटा की पावर एन माइनस वन सब जो है वो ओके में होंगे. तो हमने लिखा कि एज थीटा बिलोंग्स टू ओके देन वन थीटा थीटा स्क्वायर और इसकी पावर टू द पावर थीटा माइनस वन, ये सब ओके के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो ओके के एलिमेंट्स हैं. और अब हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि ये अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं ओके के, तो इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि सो दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थीटा होगा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ वन थीटा थीटा टू द पावर एन माइनस वन, और ये एक इंटीजर होगा. ठीक है, ये हमने चैप्टर 6 में थ्योरम 6.4.4 था और उसमें जो है ये हमने डिस्कस किया था. फर्दर के हमारे पास जो है एस के, हमारे पास अलजेब्रिक नंबर फील्ड है डिग्री एन की, और थीटा इस तरह से है कि के जो है वो क्यू थीटा है,
जो है ये भी हमने पढ़ा था कि ऐसी सूरत में जो है देन वी हैव डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होता। तो फिर हम ये कहते हैं कि जो है जो शुरू में हमने थ्योरम पढ़ा है क्या कहते हैं उसे, जो अभी जो पिछला थ्योरम ही है, ठीक है, इसके मुताबिक हम ये कहेंगे कि देर एग्जिस्ट, ये अगर इस तरह से है तो हम ये कहेंगे देर एग्जिस्ट यूनिक रैशनल नंबर्स यूनिक रैशनल नंबर्स बल्कि यूनिक सॉरी जो उसमें था वो इंटीजर्स था, यूनिक रैशनल इंटीजर्स एक्स वन एक्स एन सच दैट अल्फा इज इक्वल टू सम जे इज इक्वल टू वन टू एन एक्स जे ओवर डी थीटा थीटा टू द पावर जे माइनस वन। ये हमने जो है यानी कि ये जेथ जो नंबर है ये उसके ऊपर ले ली, जे की वैल्यू वन से लेके एन तक होगी, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये इसी चीज़ को जो है वो हमने लिखा है जो ये चीज़ लिखी हुई है। अब ये जे की वैल्यू जो है वो यानी कि इसी चीज़ को अगर हम जो है ये जो ओमेगा वन है इसे वन कह दें, ओमेगा टू जो होगा वो थीटा हो जाएगा, ओमेगा एन जो है वो थीटा टू द पावर एन माइनस वन होगा। तो इस तरह से जो है वो डी ऑफ डी वन थीटा से थीटा टू द पावर एन माइनस वन तक होगा, उसे हम डी थीटा कह रहे हैं इस वाले रिजल्ट में, इस वाले रिजल्ट में इसे हमने डी थीटा कहा हुआ है तो हमने इस वजह से यहाँ डी थीटा लिख दिया। और यहाँ पर हमने लिया था ओमेगा जे तो हमने ले लिया थीटा टू द पावर जे माइनस वन, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट था वो ओमेगा एन था, तो अब जे की वैल्यू जब एन होगी तो ये एन माइनस वन हो जाएगा, और फिर जो जे जे की वैल्यू होगी उसी के मुताबिक यहाँ पर जो है वारों का समीशन। और इसके अलावा क्या पढ़ा था इसमें, इसके अलावा जो है इसमें ये पढ़ा था कि एक तो ये कि ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं निकाल रहा हूँ इसमें एक तो ये कि ये होगा और दूसरा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट एक्स जे स्क्वायर को डिवाइड भी कर रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये डी थीटा जो है ये क्या कर रहा होगा, एक्स जे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं एंड ये डी थीटा divides j square for j is equal to 1 to n। तो ये इसको जो है d theta जो है x j square को divide कर रहा है, ठीक है, j की value 1 से n तक। अब इसके बाद हम define करते हैं co-prime integer, तो j की value वही 1 से n तक है, तो we define co-prime integers rj and sj which is greater than 0, sj greater than 0 ye given it by rj is equal to signature of sine of discriminant of theta times xj divided by gcd of xj and d theta
डी थीटा और एक्जे, डी थीटा तो एक्जे को डिवाइड कर ही रहा है, ये हमने अभी डी थीटा एक्जे स्क्वायर को सॉरी डिवाइड कर रहा है, तो एक्जे और डी थीटा का जो जी सी डी होगा उससे डिवाइड कर रहे हैं, और एस जे क्या होगा, एस जे इस तरह से डिवाइड डिफाइन कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी सी डी ऑफ एक्स जे एंड डी थीटा, ये हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। सो दैट ये इस वजह से हमने डिवाइड किया है कि जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो, क्योंकि आर जे ओवर एस जे जो है वो एक्स जे अपॉन डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसी के लिए काम करना है। सो दैट अब हमने लिखा आर जे ओवर एस जे, तो ये हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा एक्स जे ओवर डी थी। तो ये हमने डी थीटा, क्योंकि अब हमने ये साइन लिखने की हमें जब जरूरी नहीं है, एब्सोल्यूट साइन था और फिर ये साइन दोबारा आता तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि आप ये लिखें साइन ऑफ डी थीटा टाइम्स जो है वो, यानी कि इसके साथ साइन ऑफ डी थीटा लिख दें और नीचे एब्सोल्यूट डी थीटा लिख दें तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, यानी कि असल में ऐसे होता है ना, साइन ऑफ डी थीटा एक्स जे ओवर डी थीटा। तो एक्चुअली ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये दरअसल वन ऑफ एब्सोल्यूट डी थीटा, एब्सोल्यूट डी थीटा ये वाली चीज दरअसल वन अपॉन डी थीटा के इक्वल होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट हटा दें तो इसका मतलब साइन आपने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अल्फा की वैल्यू, जो अल्फा हमने ये लिया था, तो अब अल्फा जो है वो हम यहाँ पर जो एक्स जे जो है वो अपॉन डी थीटा इसके इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सम जे इज इक्वल टू वन टू एन, वन टू एन आर जे ओवर एस जे थीटा टू द पावर जे माइनस वन, ये हमने इस तरीके से जो है वो लिख दिया। और अब इसके बाद एंड ये बात जो है वो हमें अब ये नज़र आ रहा है कि एस जे की वैल्यू जो होगी, तो एस जे इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट डी थीटा से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वैल्यू जो है, क्योंकि आर जे अपॉन ये इस तरह से लिखा है और ये वैल्यू जो है वन से जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ये पिछले थ्योरम जो है उसके मुताबिक ये वैल्यू जो है वो इसके ये इक्वल होती है, यानी हमारे पास जो है वो हम ये लिख सकते हैं थोड़ा सा फाइनली, फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एंड वी हैव आर जे स्क्वेयर ओवर एस जे स्क्वेयर डी थीटा इज इक्वल एक्स जे स्क्वेयर ओवर डी थीटा एंड दिस बिलोंग्स टू जेड, और अगर ये जेड है तो इसका मतलब है डी जो है डी थीटा जो है, हमें ये बात पता है डी थीटा इसको डिवाइड करता है, ठीक है, तो अब अगर जो है वो हम इसको जो है वो और एस
एस जे आर जे और एस जे जो है वो को प्राइम है, तो इस चीज़ को जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये इंटीजर है, ये बात ध्यान में रहे, और ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो एस जे स्क्वायर आर जे स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो जब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है कि एस जे स्क्वायर फिर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, तो एस जे स्क्वायर डिवाइड डी थीटा जो कि रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है आर जे और एस जे को प्राइम, तो इस तरह से जो है वो ये आ गया। तो एक्चुअली अब इससे हमने क्या, ये जो थ्योरम हमने देखा, तो इस थ्योरम से एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिमल इंटीजर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी एक तो पहले ये करता हूँ कि मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो लिख देता हूँ मिनिमल इंटीजर की, डेफिनेशन मिनिमल मिनिमल इंटीजर, बल्कि मिनिमल इंटीजर किसका मिनिमल इंटीजर, मिनिमल इंटीजर ऑफ डिग्री के, ये स्मॉल के है इन थीटा, तो जैसे कि हमने जो है वो इसको हम किस तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, हमने अस्यूम किया लेट के बी एन अलजेब्रिक नंबर फील्ड नंबर फील्ड ऑफ डिग्री एन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं फिक्स थीटा जो के ओके का एलिमेंट है सच दैट के, ये जो के है ये अलजेब्रिक नंबर फील्ड सच दैट के इज इक्वल टू q theta और for k is equal to, ये small k है, k is equal to 0, 1 से n minus 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक integer define करते हैं, हम एक set define करते हैं, define ये स्मॉल के है इसके अंदर ए के होंगे जो कि क्यू के एलिमेंट्स रैशनल्स होंगे सच दैट कौन से जो कि ए नल प्लस ए वन थीटा ए के theta to the power k belongs to ok, ये जो हमने शुरू में जो है वो पढ़ा था for some, बल्कि यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ये for some a null a one a k minus one ये सारे के सारे रैशनल्स हैं, तो इस तरह से जो है वो हम डिफाइन करते हैं, ये हमने शुरू में जो है वो डिस्कस किया था इस तरह का, अगर आप देखें तो ये
जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि डिग्री मिनिमल इंटीजर अब हम पढ़ेंगे, ये हमने सिर्फ जो है वो जो यानी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ये हम पढ़ रहे थे अल्फा यानी कोई भी इंटीजर हो उसकी डिग्री थीटा में। तो हमने कहा था कि के डिग्री है, तो डिग्री निकालने का तरीका जो हमने इस लेक्चर के शुरू में जो है वो देखा था। अब इसको जो है इसी चीज़ को जो है हम जो है वो देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये सेट डिफाइन किया। अब ये जो हम इंटीजर की डिग्री डिफाइन कर रहे थे, इस डिग्री की बेसिस पे मिनिमल इंटीजर जो है वो डिफाइन करेंगे कि मिनिमल इंटीजर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हमें ये जो है अगर हम इसको कह दें कि एस नल, कि एस नल क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो एस नल हमें जो है वो क्या नज़र आ रहा है, यानी कि के की जगह जब हम ज़ीरो रखेंगे, तो के की जगह ज़ीरो रखेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे ए ज़ीरो तक होगा सिर्फ। ठीक है, और अगर ये जो है ए ज़ीरो होगा, ठीक है, तो एस ज़ीरो जो है वो मतलब ये क्यू में होंगे। अब वो क्यू में कौन से रैशनल इंटीजर्स होंगे, वो सिर्फ क्लियरली जेड होगा, क्योंकि ये हम जो है वो जैसे कि हमने जो है वो देखा था कि ये रैशनल इंटीजर्स के लिए होता है। ठीक है, अल्फा का इंटीजर ऑफ डिग्री, तो एस नल जो है वो पूरा जेड के इक्वल होगा, क्योंकि ये ए नल जो है यानी अब देखें किस तरह से है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एस नल इज इक्वल टू, तो ये आया ए नल बिलोंग्स टू क्यू, सच दैट अब यहाँ पे क्या आया, सिर्फ ए नल आया। ए नल कहाँ से आएगा, ए नल आएगा ओके में से, तो ए नल अगर ओके में से आया है तो इसका मतलब ये होगा कि क्या कहते हैं उसे, ओके और इनका जो यानी जो ओके में भी हो और क्यू में भी हो तो ये जाहिर है कि जेड हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो जेड आ जाएगा। ये तो आपके पास z आ गया। वैसे जो sk है यानी कि अगर इसकी वैल्यू जीरो के अलावा हो कुछ दूसरी, तो ये जो है वो z को कंटेन करेगा, k की वैल्यू के की वैल्यू जब हम लेंगे 1 to 2n-1, तो ये इसे जो है वो कंटेन करेगा। ठीक, अब जो है क्या कहते हैं उसे, ये जो हमने जो अभी थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम में हमने ये कहा है कि एस जे जो होता है ये 1 और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान। तो ये जो इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये एस के जो है यानी इससे हम आगे चल के जो है वो देखेंगे कि एस के जो सेट है तो जो कि डिनोमिनेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर एस के होंगे, ये हम देखेंगे कि बाउंडेड होते हैं। इसमें जो लीस्ट पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जो सेट एस के होगा अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि एस के हैज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर
इंटीजर एलिमेंट और उसको हम ए के स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये बात हमें पता है कि ए नल स्टार जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि ये जेड है तो जेड में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, वन होता है, तो ये इसका मतलब है कि वन हो जाएगा, अदरवाइज जो है ये कोई और जो है। ठीक है, तो अब इसकी फॉर्मल यानी इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि एनी इंटीजर, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। Any integer of k that is where k is an algebraic number field of degree n that is of the form a null plus a1 theta plus a k minus 1 theta to the power k minus 1 plus a k star theta k where a null, a1, a k minus 1, all are integers, ठीक है? तो ये जो हमारे पास है, any integer of k, that is of the form, जो कि इस form का लिखा जाएगा, is called is called a minimal integer of degree k in theta। तो ये मिनिमल इंटीजर होगा जिसकी डिग्री जो है वो की होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए के स्टार जो है यहाँ पर यूज हुआ है, जबकि इससे पहले जो है हम इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं कह रहे थे। तो अब ये जो थ्योरम है ये दरअसल अब जो नेक्स्ट थ्योरम है ये दरअसल इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होगा। ये जो क्या कहते हैं उसे एस के जो सेट है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो थ्योरम का इस थ्योरम जो है बहुत सिंपल है, जो कि सिंपली ये बता रहा है कि एस के जो हमारे पास है वो कैसा होगा। तो थ्योरम ये कहता है कि एस के को प्रूव करें कि ये ए के स्टार जेड। ठीक है, ये हमें जो है प्रूफ करना है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ तो आपने सबसे पहले तो एक एलिमेंट ले लिया इसके का, यानी कि आपको दरअसल जो है वो क्या कहते हैं उसे इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है वो सेट इक्वल हैं। तो उसके लिए आपने ये एस्यूम किया कि लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस के, ये आपने एस्यूम कर लिया। अब इसके बाद आपे पता है कि इसमें कोई मिनिमल जो है वो यानी कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो आपने ये एस्यूम किया कि लेट एम बी दी
least positive integer such that MA belongs to Z. And M A K star belongs to N. ठीक है, इस तरह से आपने ये M, अब ये हमारे पास इंटीजर है तो बाय डिविजन एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं बाय डिविजन एल्गोरिथम. देयर एग्जिस्ट देयर exist q belongs to z and r belongs to say that ma is equal to q. अब इस m a के लिए q और MA K star plus R where R is less than MA K star and greater than or equal to 0. ठीक, ये simply division algorithm है. Hence A is equal to Q AK star plus R over N. ठीक है, सिंपली इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा. और फिर अब ये हो जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू R by M is less than M से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा A K star. ठीक, अब हमें पता है कि A जो है वो S K का एलिमेंट है as A belongs to S K. There exist, क्योंकि S K को हमने लिखने का तरीका जो है वो ये देखा है कि S K के एलिमेंट्स इस तरह से O K में होते हैं. तो अब हम ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट बी नल बी वन टू बी के माइनस वन बिलोंग टू क्यू सच दैट such that B null plus B1 theta to B K minus 1 theta to the power K minus 1 और फिर आखिर में A theta to the power K belongs to. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ये लिया था तो ये हमने जो है वो इस तरह से ले लिया. सिमिलरली यानी ए के बारे में लिखा, सिमिलरली
as AK star belongs to XK, there exists C1, ये C null, C1, C K minus 1 belong to Q such that C null, अब वही लिखेंगे जो इसमें है, C null plus C1 theta to C K minus 1 theta to the power K minus 1 और फिर आखिर में AK star theta K belongs to OK. Then अब क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो लगाया था, और डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक तो हमने ये कहा था कि ए जो है वो ये है और ए स्टार के वो ये है. अब ये वैल्यूज जो है वो हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे. तो जब यहाँ पर हम ये वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा बी नल प्लस बी वन थीटा, बी के माइनस वन थीटा टू द पावर के माइनस वन प्लस ए थीटा टू द पावर के इज इक्वल टू क्यू टाइम्स C null plus C1 theta till Ck minus 1 theta to the power k minus 1 plus Ak star theta to the power k plus R by ठीक है. तो ये हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया. अच्छा तो ये फिर अच्छा इस तरह से ये शायद हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ नहीं आए, तो इसको बजाय इस तरह से करने के, क्योंकि ये ओके के एलिमेंट है, एक मिनट इसे इरेज करता हूँ. तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि क्योंकि ये ओके के एलिमेंट है, और अगर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फिर भी ओके में रहेंगे. यानी कि बी तो ये हो जाएगा, एक मिनट ये कुछ पेन में मसला हो रहा है शायद, एक मिनट. अच्छा देन तो अब बी अब
हमने बी लिए, बी नल। इसमें फिर ये जो सी है इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये भी क्यू में रहेगा। इसी तरह से हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, बी वन थीटा, बी वन थीटा इसमें से क्यू सी वन थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये काम करते हुए चले आए और आखिर में बी के माइनस वन थीटा माइनस वन, फिर माइनस क्यू सी के माइनस वन थीटा के माइनस वन, ये हमने कर लिया। तो अब ये आपके पास, और फिर इसके बाद आखिर में हमने क्या किया कि ये ए थीटा के माइनस क्यू ए के स्टार थीटा के, तो क्लियरली ये किस में होगा, ओके में होगा, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जाहिर है कि ये क्यू में ही रहेगा। तो यानी कि अब इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने लिखा यहाँ पर बी नल माइनस क्यू सी नल प्लस बी वन माइनस क्यू सी वन थीटा और बी के माइनस वन माइनस क्यू सी के माइनस वन थीटा टू द पावर के माइनस वन प्लस ए माइनस क्यू ए के स्टार और थीटा के बिलोंग्स टू ओके। अब ये वाली चीज़ को देखें, ये बिल्कुल यही है जो कि ये है। अगर क्यू ए के स्टार को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर बाई एम के। तो हम इसकी जगह जो है आर बाई एम लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ बजाय इसके के, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं सर। तो ये अब हमारे पास जो है ये हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा बी नल माइनस क्यू सी नल प्लस बी वन माइनस क्यू सी वन थीटा, फिर बी के माइनस वन माइनस क्यू सी के माइनस वन थीटा टू द पावर के माइनस वन प्लस आर बाई एम थीटा के बिलोंग्स टू ओके। ये हमारे पास जो है ओके के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास आर बाई एम है ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये आर बाई एम एस के का एलिमेंट होना चाहिए जो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। जैसे कि हमने ये इसके लिए लिखा था, तो ये इस तरह से लास्ट जो एलिमेंट हम लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास आ गया, सो दैट आर बाई एम बिलोंग टू एस के। तो इफ आर बाई एम is less than a k star and
greater than 0. So this contradicts क्योंकि हमें ये बात पता है, पूरा लिखते हैं तो contradicts minimality of AK star. ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि AK star जो होता है ये minimal इसका एलिमेंट है, जो हमने मिनिमम इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है, तो ये ए के स्टार जो होगा ये इसका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा. और इस तो इसकी मिनिमल की कंडीशन जो है उस ये इससे तो कम नहीं हो सकता. ठीक है, यानी आर बाई एम जो है यही, क्योंकि आर बाई एम इस वाले में देखें ये आर बाई एम लिखा हुआ है, आर बाई एम जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन ए के स्टार, जो हम जो डिविजन एल्गोरिथम जो हमने लगाया था. ठीक है, तो ये मिनिमैलिटी कंडीशन को कर रहा है. हेंस तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है. तो हेंस तो वो जो ऊपर वाला आर बाई एम जो था में जीरो भी था, तो अगर इक्वल टू जीरो लग गया तो फिर तो कंडीशन जो है वेरीफाई हो सकती है जीरो का. तो इसका मतलब ये हुआ कि आर बाई एम जीरो के इक्वल होगा एंड ए इज इक्वल टू क्यू ए के स्टार के इक्वल होगा. ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए के स्टार क्यू, वेयर क्यू इज एन इंटीजर. तो एस के का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे कि ए लिया था तो वो ए के स्टार क्यू के इक्वल होगा. क्यू जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो इसका मतलब ये होगा कि दस एस के इज इक्वल टू ए के स्टार